लतीफ का एक बेत है तो ये सारी दुनिया मंगनहार है, अल्लाह से तो सब लेते हैं, मंगनहार की माना ही है लेने वाला है। असल ज़ात की माना ये है मांगने वाला, मंगनहार माना मांगने वाला, देने वाली ज़ात वो है। हम लेने वाले हैं, जब बजाते हैं तो किसी से लेते हैं ना। मंगनहार की माना ही ये है लेने वाला। मेरा उस्ताद जो शनाई में थे मामा इमाम बख्श था, वो जमार बसंत का बेटा था। हमने जब तक जिंदा था हमने उससे तालीम हासिल की। वो रेडियो स्टेशन पे मुलाजिम भी थे, वो शनाई भी बजाते थे, क्लानेट बनाते थे। वो मेरा उस्ताद वो गुजरी टोड़ी मुझे सिखा रहे थे और मैंने वो कम से कम डेढ़ महीना बजाई गुजरी टोड़ी। डेढ़ महीने के बाद कुछ मुझे समझ में आई। हम कहाँ हैदराबाद में बजाया था, पहले पहले तो हम डरते थे जब उस्ताद सीखे थे, और हमारे जो मोहम्मद कासिम उस्ताद थे, जब मैं हम तैयार हो गए तो हम जब उसने बोला थे एक मंगनहार के जो हमारे कौम के हैं अच्छे बजाने वाले उधर जाते हैं, उधर हमको बजाया, तो हम डरते थे। उसने बोला डरो नहीं बेटे, अब तुम तैयार हैं। उस्ताद कासिम ने बोला डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लम्हा मेरे लिए बहुत इतना था जो एक टांगी कांप रही थी, लेकिन जब उसने मुझे वो हिम्मत दी और जब मैंने बजाना शुरू किया तो बजाने में ही हमारा उसने हिम्मत दी ना, तो बजाना हमारा अच्छा हो गया। और उसके बाद हमने ये मेरा बड़ा अहम मोड़ था। वो जो 3 मिनट मिलते हैं, 3 मिनट में क्या होता है, क्या बजाएं क्या करें, 100 चक्कर काटते हैं कराची के टीवी में, 100 चक्कर के बाद फिर प्रोग्राम मिले, 100 चक्कर का किराया कितना हो गया, हमारे को चेक देंगे, 2 महीने के बाद मिलेगा वो 5,000 या 4,000, तो हम 4 दफ़ा कराची जाएं, कितना किराया होगा, 4 आदमी लेके जाएं, 4 आदमी को 800 रुपया किराया, 800 रुपये आदमी का 800 रुपया जाना, 2,000 रुपये 8,000 रुपया किराया, 4 दफ़ा आ जाएं, एक प्रोग्राम मिल जाए, उसमें क्या फ़ायदा। असल बात ये भी है, बस नाम कमाते हैं, नाम हमारी उम्र ही नहीं है तो हमारा नाम हो जाए। कहानी ये थी कि जो अच्छे बजाने वाले थे ना, अमीर लोग उसकी कदर करते थे, तो ये अच्छे बजाने वाले उसको कदर करते थे। अब अच्छे बजाने वाला वो भी है, कम बजाने वाला वो, इज्जत वाली बात ख़त्म हो गई।